A rock underwater is 1595 meter deep. Find the time in which an ultrasonic signal returns after reflection from the rock. Given speed of ultrasonic wave in water. So here is two values are given to us. The depth of rock under water, that is 1595 meter. Okay, now speed of ultrasonic in water, that is given to us, is 1450 meter per second. Okay, so we have to calculate the time. So first हमें क्या बोला गया कि कोई एक जो है शिप है, क्लियर, कोई एक क्या है शिप है, मान लेते हैं ये कोई शिप है और यहाँ पर वाटर के नीचे जो है, यहाँ पर वाटर में एक जो है रॉक है, ठीक है, यहाँ से हम एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंड करते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद ये सिग्नल दोबारा शिप पर वापस जाता है। तो सिग्नल जनरेशन से लेके सिग्नल रिसीव करने तक टोटल जो टाइम लगा वो कितना था। ओके, सो यहाँ से सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका डेप्थ हमें गिवन है रॉक का और साथ में जो है स्पीड गिवन है, तो हमें पता है कि जो टाइम है वो इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। सो डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 1595 मीटर और स्पीड हमें गिवन है 1450 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 11/10। ओके, सो टाइम विल बी 1.1 सेकेंड, लेकिन ये जो 1.1 सेकेंड आपको मिला है ये इस शिप से लेके और यहाँ तक सिग्नल पहुँचने का टाइम है केवल, ठीक है, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन के बाद इसको वापस भी जाना है तो वापस जाने में भी इसको सेम टाइम लगेगा। सो टोटल टाइम जो है, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से शिप से रॉक तक का जो डिस्टेंस है वो अगर डी है तो ये वापस जाने वाला अब डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। तो टोटल डिस्टेंस ये 2D कवर कर रहा है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.1 सेकेंड, दैट विल बी 2.2 सेकेंड।